कुटुंब सभ्युलंदरिकी नमस्कारालु। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का उत्सव प्रारंभ हो चुका है और 13 मई को तेलंगाना के लोग एक नया इतिहास रचने वाले हैं। 13 मई को तेलंगाना में होने वाला मतदान विकसित भारत के लिए होगा और जब भारत विकसित होगा तो तेलंगाना भी विकसित होगा। यहां तेलंगाना में बीजेपी के लिए लगातार जन समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। तेलंगाना का ये दृश्य, जगतियाल का ये जन सैलाब इसका प्रमाण है। मैं पिछले 3 दिनों में दूसरी बार तेलंगाना आया हूं। उसके पहले मैं तेलंगाना के लिए हजारों करोड़ रुपयों की विकास परियोजना की सौगात लेकर भी आपकी सेवा में हाजिर हुआ था। इसी महीने मैंने आदिलाबाद से पूरे देश और तेलंगाना के लिए 56,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया था। संगारेड्डी में भी हाईवे, रेलवे और एयरवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हजारों करोड़ की परियोजनाओं को समर्पित किया था। ये विकास आज तेलंगाना के हर इलाके में पहुंच रहा है। इसलिए तेलंगाना के कोने कोने में बीजेपी के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। आपने देखा होगा, अभी मुझे मल्काजगिरी में भी जनता जनार्दन हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए सड़कों पर उमड़ आई थी। जैसे जैसे 13 मई निकट आ रही है, वोटिंग का दिन करीब आ रहा है, तेलंगाना में बीजेपी की लहर, कांग्रेस का, बीआरएस का सुपड़ा साफ कर देगी। और इसलिए आज पूरा देश कह रहा है, आज पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार।